नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। क्या बिहार में अफसर शाही हावी है और अफसर बेलगाम है? पहले चौकीदार से उठक बैठक, फिर सरेआम अवैध वसूली और अब एक दरोगा की सरेराह गुंडागर्दी। ये तीन तस्वीर तो बिहार की यही तस्वीर पेश करती है। ताज़ा मामला बिहार के लखीसराय का है। दरअसल लखीसराय की CDPO पूजा रानी लखीसराय टाउन थाना से गुजर रही थी, तब दो सादे लिबास में सड़क पर खड़े व्यक्ति ने CDPO पूजा रानी की गाड़ी रुकवाई। CDPO पूजा रानी ने जब इन लोगों को बताया, मैं लखीसराय CDPO हूँ, आप कौन हैं, यह पूछने पर दरोगा जी तैश में आ गए। CDPO से दुर्व्यवहार किया और उनके ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर मारपीट किया गया। CDPO पूजा रानी की गाड़ी को जब्त कर थाना ले गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूछा है कि यह कैसी अफसरशाही है, आपके राज्य में इतनी अफसरशाही बढ़ गई है कि आम आदमी का कोई नहीं सुनता, अब तो प्रशासन इतना मनमानी करने लगा है कि एक पदाधिकारी दूसरे पदाधिकारी को भी नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। देखने से यह नहीं लगता कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। अब बात दूसरे वीडियो की, जिसमें वर्दी वालों की वसूली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वाहन जांच के दौरान एक पुलिसकर्मी लोगों से नाजायज वसूली करता दिख रहा है। यह वीडियो नवादा जिले के नरहट थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी OP के SI रामाधार प्रसाद और सिपाही भूपेंद्र यादव की है। वायरल हुए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो सादे लिबास में पुलिसकर्मी लाठी लिए सड़क पर मौजूद हैं और इनके इर्द गिर्द कई बाइक सवार भी हैं। इन बाइक सवारों को वाहन जांच के लिए रोका गया था। इस दौरान बाइक सवारों ने छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। जांच के दौरान एक व्यक्ति पैसे लेकर पुलिसकर्मी को वहां से निकल जाता है। इस दौरान कई वाहनों की तलाशी ली जाती है। नवादा SP हरि प्रसाद इसके संज्ञान में जैसे ही यह बात सामने आई, उन्होंने वीडियो की जाँच करवाते हुए पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की। SP ने दोनों पुलिसकर्मी को फौरन निलंबित कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है और इसके साथ लिखा है, बिहार का सुप्रसिद्ध RCP टैक्स जमा कर पोस्टिंग पाने वाले ऐसे अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री लॉकडाउन के दौरान इलाज कराने जा रहे परेशान लोगों पर लाठी चलाने और उन्हें छोड़ने की एवज में 500 से 2000 रुपया मेहनतनामा लेने जैसे पराक्रम करने पर गणतंत्र दिवस पर बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। आपको याद है ना ये तीसरा वीडियो? अगर याद नहीं तो इसे ताज़ा कर लीजिए। ये वीडियो कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी पर तैनात चौकीदार गणेश तत्वा से उठक बैठक कराने वाले बिहार सरकार के अररिया जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार और ASI गोविंद सिंह की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने पूर्णिया प्रमंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर को जाँच के आदेश दिए थे और 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी थी और कार्रवाई करने का भरोसा दिया था, लेकिन जांच की आँच कहाँ बुझ गई किसी को पता नहीं चला। लेकिन मंत्री महोदय ने संघ की जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को उनके कारनामों के लिए दंड देने के बजाय प्रमोशन देकर सम्मानित कर दिया और इस वीडियो को भी ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा है कि बिहार में अफसरशाही बेलगाम है, कैसे जिला कृषि अधिकारी एक बुजुर्ग होमगार्ड से उठक बैठक करवा रहा है, क्योंकि कर्तव्य परायण होमगार्ड ने उससे गाड़ी का पास दिखाने को कहा था। हाल ही में बेगूसराय में पुलिस कस्टडी में दो युवाओं की संस्थानिक हत्या हुई है, जनप्रतिनिधियों की कोई नहीं सुन रहा। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी ही है कि क्या बिहार में अफसरशाही बेलगाम है? जाहिर है इन तस्वीरों को देखकर लोग बिहार सरकार के सुशासन के दावे पर न सिर्फ ठहाका लगाएंगे बल्कि पूछेंगे भी, सुशासन के राज्य में क्या कानून को ऐसे नंगा किया जाता है? अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अगर अब तक रेड नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको लगता है कि रेड नेटवर्क खबर को खबर की तरह परोसता है, किसी चाशनी में नहीं डुबोता, तो रेड नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। नमस्कार।